So hey guys, welcome to our gaming channel. This video is about AWM tips and tricks. So get ready. तो सबसे पहला जो most important tip है, वो है change sniping control. Number one tip, सबसे जरूरी. इसके लिए आपको आना होगा setting में, then आपको जाना होगा controls में. इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे AWM sniping के सामने दो option होते हैं. एक होता है normal, दूसरा होता है hold fire to scope. तो आपको hold fire to scope को कर लेना है select. इसके क्या फायदे मैं आपको बता दे रहा हूँ. आप जैसे ही यहाँ पे देखो शूट करते हो, राइट जो बटन होता है, राइट शूटिंग बटन, इसको आप जैसे होल्ड करोगे ये ऑटोमेटिक स्कोप को ओपन कर देगा. उसके बाद आप देख सकते हो कितने आराम से आप मूवमेंट कर सकते हो स्कोप को, और साथ ही साथ आप खुद भी मूवमेंट कर सकते हो. तो मतलब आपको जो टाइमिंग होती है आपको एम लेने की और शूट करने की, वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है. इससे आपको एक काफ़ी हेल्प मिलती है AWM चलाने में. नंबर टू टिप्स की बात करें तो वो है यूज़ लॉरा कैरेक्टर स्किल. ठीक है, तो जिनको नहीं पता है कि लॉरा कैरेक्टर की क्या स्किल है, उनको मैं बता दे रहा हूँ कि लॉरा कैरेक्टर की स्किल ये है कि अगर आप स्कोप इन करते हो तो जो आपकी एक्यूरेसी होती है वो इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, स्पेशली AWM की बात करेंगे तो इसके लिए देखिए आपको आना होगा. और यहाँ पे जैसे मैं एंड्रू यूज़ करता हूँ, और इसमें यूज़ करता हूँ लॉरा कैरेक्टर की एबिलिटी जो कि है शार्प शूटर. ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो तो एक आपको थोड़ा सा बेटर ऑटो एम मिलता है, थोड़ा सा बेटर ऑटो एम. अगर आप हल्का सा मिस कर रहे हो तो भी आपकी जो ऑटो एम है, जो लॉरा की स्किल है, वो हेल्प कर देती है टारगेट को कनेक्ट करने के लिए. तो AWM यूजर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. मैं तो फुल रिकमेंड करूँगा कि लॉरा कैरेक्टर की स्किल को यूज़ करें अगर आप AWM यूज़ करते हो तो आप देख सकते हो मतलब कि यार कितने लॉन्ग रेंज आप बहुत आराम से लग जाते हैं, कितने आराम से लगते हैं. लेकिन उसके लिए आपको बाकी टिप्स भी फॉलो करनी होंगी. टिप नंबर थ्री है मॉडिफाई कस्टम HUD. तो इसके लिए आपको कंट्रोल्स में आना होगा, कस्टम HUD में आना होगा. तो आप ये देखो सेंटर में जो मैंने यहाँ पे लगाया है ये कोई एक्सटर्नल क्रॉस हेयर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. मैंने कोई APK यूज़ किया या कुछ अलग यूज़ किया, कुछ नहीं किया मैंने. जेन्युइनली मैंने तरीका यूज़ किया है इसके लिए. आप मेरा जो क्विक रिलोड वाला बटन होता है वो मैंने एकदम सेंटर में क्रॉस हेयर पे लगा दिया है, उसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर दी है. ठीक है, बस इतना किया, कोई भी ऐसा नहीं है कोई इलीगल तरीका या एक्सटर्नल क्रॉस हेयर है. तो जो भी ऐसा सोच रहा है बिल्कुल गलत है, आप भी ऐसा कर सकते हो और ये बिल्कुल फेयर है. ठीक है, ये एक ट्रिक है, ट्रिक और ट्रिक यूज की जा सकती है गेम में. देखो इस तरीके कितने आराम से आप यहाँ पे एम ले सकते हो विदाउट स्कोप भी. ठीक है, यहाँ भी आप देख लो आपके पास जो बटन, कोई भी बटन लगा लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रिलोड क्विक वेपन स्विच वाला ही बटन लगाओ, कोई भी आप बटन उसमें लगा सकते हो. नंबर फोर टिप की बात करें तो यहाँ पे है चेंज सेंसिटिविटी. ठीक है, ये टिप भी बहुत जरूरी है. मेरी सेंसिटिविटी देखो तो यार मैं सिर्फ जनरल की अप्रोक्स 50 रखता हूँ, बाकी सब फुल रखता हूँ. उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर आप AWM स्कोप की जो सेंसिटिविटी है वो जीरो या कम रखोगे तो इसमें देखो नुकसान क्या है. देखो स्कोप आप जब ओपन करोगे, ठीक है, आपने स्कोप ओपन किया, यहाँ पे गेम स्टार्ट हुआ और मैंने स्कोप ओपन किया, कितना देखो कितना टाइम लगा रहा है स्कोप मूव करने के लिए. तो आप जब इतना टाइम लगाओगे, आपको इतना ड्रैग करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स ये बात है आपको एक ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा एनिमी को शूट करने के लिए. वही अगर आप यहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ा लेते हो, 100 कर लेते हो, अब आप देखो कितने स्मूथली ये मूवमेंट करेगा और मैं कितने आराम से कितना भी दूर ले जा रहा हूँ मैं आराम से एम ले जा सकता हूँ और एनिमी को खत्म कर सकता हूँ. नंबर फाइव टिप की बात करें, ये भी बहुत जरूरी है, फोकस ऑन क्रॉस हेयर बिफोर स्कोपिंग. ठीक, यहाँ पे देखो अगर हमारा टारगेट वो बाइक है, कुछ लोग क्या करते हैं काफी दूर से ही स्कोप ओपन कर लेते हैं. जैसे यहां से देखना ये इतनी दूर से ओपन किया और फिर लेके गए बाइक तक, ये गलती है, ये नहीं करना है. अब आपको करना क्या, आप ये को सेंटर जो हमारा क्रॉस हेयर है इस पर आप टारगेट करो, कोशिश करो कि जो एनिमी है उसके आसपास रहे वो, उसके बाद आप स्कोपिंग करो. तो देखो कितने आराम से वहां तक पहुंच गया बिना टाइम वेस्ट किए, ये देखो. और फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो और इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको AWM चलाने में. तो ये तो हो गया, ये भी टिप बहुत जरूरी थी. बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, वो है नंबर सिक्स जो कि है यूज AWM प्लस AR प्लस मिनी शॉटगन. तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है अगर आप यूज कर रहे हो AWM. तो देखो मिनी शॉटगन का क्या है, क्लोज रेंज में हेल्प करेगी, AR का क्या है, मिड रेंज में हेल्प करेगी, और लॉन्ग रेंज में तो आपकी AWM है ही काम की. तो ये टिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो कितने आराम से आप खत्म कर सकते हो. आप सीधे एक AWM शॉट मारो, स्विच करो AR पे, उसके बाद अटैक कर दो और खत्म कर दो एनिमी को. देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखाऊंगा, और ये मैं यहाँ पे गया, ठीक है, यहाँ पे सीधे मैंने एक मारा AWM से, बाकी स्प्रे कर दिया AR से और एनिमी खत्म.
एक और दिखा दूंगा, यहाँ पे सामने मेरे को एनिमी दिखा, वो देखिए सामने एनिमी दिखा, मैंने शूट किया, उसके बाद निकाली एआर और सीधे स्प्रे किया और एनिमी हो गया खत्म। तो ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, एआर प्लस एडब्ल्यूएम प्लस मिनी शॉटगन। बढ़ते हैं टिप नंबर 7 की तरफ, जो कि स्पॉट एनिमी फर्स्ट देन स्कोप इन। तो इसका क्या मतलब है अब मैं बता दूं, कुछ लोग गलती करते हैं AWM यूज करने पे, वो स्कोप लगा लेते हैं उसके बाद एनिमी को ढूंढते रहते हैं, इधर है उधर है कहाँ है, इस खिड़की में उस खिड़की में, इसके चक्कर में कोई ना कोई पीछे से उनको खत्म कर देता है। तो ये नहीं करना है, जैसे मैं इस टाइम कर रहा हूँ ये नहीं करना, गलती है। जैसे मैंने स्पॉट किया एनिमी को, स्टेंट शॉट मारा, वापस स्कोप आउट कर दिया। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, इसको आपको यूज करना है। नंबर 8 की बात करें तो टिप नंबर 8 है बॉडी शॉट फॉर मूविंग एनिमी, हेड शॉट फॉर स्टैंडिंग एनिमी। बहुत ही सिंपल है, अगर एनिमी मूव कर रहा है तो आप हेड शॉट के लिए ना जाओ, बॉडी शॉट के लिए जाओ। इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि बॉडी शॉट की जो थोड़ा सा एरिया होता है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से आपको जो आपके जो शॉट्स है वो आराम से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर एनिमी स्टिल है तो हेड शॉट के लिए जाओ, या फिर उसका मूवमेंट स्लो है तो हेड शॉट के लिए जाओ। और अगली टिप है कीप मूविंग वाइल यूजिंग AWM। ठीक, ये टिप भी बहुत जरूरी है कि अगर आप AWM यूज कर रहे हो तो आपको इंस्टेंटली अपनी पोजीशन चेंज करनी है, आपको मूव करते रहना है, कोशिश करना है कि स्टिल एक जगह ना खड़े हो, क्योंकि आप स्टिल रहोगे तो ऑफकोर्स ही बात है आपको AR के स्प्रे पड़ेंगे या कोई दूसरा AWM यूजर आपको मार सकता है। तो आपको मूवमेंट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है अगर आप AWM यूज कर रहे हो तो। ठीक है, AWM के साथ सिर्फ AWM पे आप डिपेंड मत रहो, AR भी यूज करो और AWM जब मौका मिले तो यूज करो। मिनी शॉटगन के लिए मौका मिले मिनी शॉटगन यूज करो। तो ये फुल कॉम्बिनेशन को बेहतरीन तरीके से यूज करिए और आपकी जो AWM स्किल्स है, मैं गारंटी ले रहा हूँ, वो बिल्कुल इंप्रूव हो जाएंगी। जो लास्ट टिप है टिप नंबर 10 की, वो है जंप AWM शॉट्स। तो ये लोगों को नहीं पता है कि AWM से भी जंप शॉट्स मारे जा सकते हैं, जैसे कि आप शॉटगन जैसे M1014 से मारते हो। तो ये देखिए यहाँ पे कितने आराम से मैंने जो AWM है उससे जंप शॉट मारा और ये पॉसिबल है। फिर से आप रिप्ले देख सकते हो, जंप किया और खत्म कर दिया। जैसे यहां पे बंदा है, मैंने जंप करके 150 का डैमेज दिया, AR पे स्विच किया और खत्म किया। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहां पे आपको बेस्ट टिप्स ट्रिक्स मिलने वाली है पूरे फ्री फायर गेम्स से रिलेटेड। और भी बहुत कुछ गेम प्ले आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे गेम प्ले जो शायद आपने नहीं देखे होंगे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। इस वीडियो का लाइक एम कर लेते हैं जस्ट 5000। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।